सिद्धार्थनगर के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र मणि त्रिपाठी के पुत्र के निधन में शोक संवेदना करने पहुंचे केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास के राज्य मंत्री महेंद्र पांडे। वहीं महेंद्र पांडे ने एनडीए द्वारा राष्ट्रपति के घोषित उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जमकर तारीफ की। उन्होंने उनको योग्य व्यक्ति बताते हुए विपक्षी दलों से एकजुट होकर निर्विरोध बनाए जाने की अपील की। और वहीं उन्होंने लालू यादव के परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके परिवार में सिर्फ चारा घोटाला नहीं बल्कि पूरा परिवार व उनका राजनीति घोटाले से भरा पड़ा है। वहीं उन्होंने घोटाले पर लालू यादव का सहयोग ना करने पर नीतीश कुमार की तारीफ भी की। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद आफाक की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी और राजग शुरू से प्रयास रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव पर आम सहमति बने। आम सहमति के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की पहल पर वेंकैया नायडू जी, राजनाथ सिंह जी और अरुण जेटली जी की कमेटी ने सबसे संपर्क भी किया और फिर एक गरीबों का हित चिंतक, जीवन भर उनके लिए काम करने वाले, बहुत ही साफ सुथरे व्यक्तित्व के और कानून के अच्छे जानकार, स्वच्छ छवि के व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार राजग ने घोषित किया। इस उद्देश्य से कि सारे लोग इसे एक सर्वस्वीकार व्यक्तित्व इसे स्वीकार करेंगे और आमतौर पर ऐसा माहौल लग भी रहा है। दक्षिण के भी दलों ने बहुत बड़ी संख्या में अपना समर्थन देने का निश्चय किया है। उत्तर भारत में भी लोग कहीं भी कोई विपरीत ज़्यादा कड़ी टिप्पणी सामने नहीं आई। मेरी तो इस संदर्भ में अपील है कि सभी विपक्ष को एकजुट होकर के देश में एक नया इतिहास रचना चाहिए। निर्विरोध राष्ट्रपति पद पर श्री रामनाथ कोविंद जी को सबको समर्थन देके विजयी बनाना चाहिए और इस दिशा में हमारी पार्टी ने कारगर पहल कर दिया। देखिए, लालू जी के परिवार हो या भ्रष्टाचार में डूबे और कई राजनीतिक परिवार, इन लोगों ने सत्ता में आकर के सत्ता का जिस तरह से लूट खसोट मचाया है, एक आम धारणा हो गई थी सत्ता माने जन आए और सत्ता के लिए अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बना दिया। उसी का एक घिनौना उदाहरण है, एक विकृत उदाहरण है लालू के परिवार की लूट। गरीबों की बात करने वाले, गरीबों को हमेशा बेवकूफ़ बनाने की घोषणाएं करने वाले लालू के परिवार के लोगों के पास इतनी अपार संपत्ति क्रमशः खुल रही है, ये अपने आप में उजागर करता है कि केवल चारा घोटाला ही नहीं है, लालू की पूरी राजनीति, उनके परिवार की राजनीति घोटालों से भरी पड़ी है। अब भाजपा इसको चलने नहीं देगी, ऐसे घोटालों को। अच्छी बात है कि नीतीश कुमार भी कहीं उनको घोटाले का उनका समर्थन नहीं कर रहे, ये भी स्वागत योग्य कदम है।